वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ एनटीए जेईई मेन टेस्ट 71 डिस्कशन। अ हाइड्रोजन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट, देन टू गेट 6 लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी। सो वी नीड 6 लाइंस। द फॉर्मूला वी विल यूज n(n-1)/2 मस्ट बी इक्वल टू 6। तो मुझे ये पता चल जाएगा बच्चों कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे जब तो हमें मिलेगा, यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं कि अगर ये 4 और ये क्या हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो ये हो जाएगा 3, एंड 4 × 3/2 इज 6, तो n इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4। या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भी ये n इज इक्वल टू 4 निकाल सकते हैं। अगर आप देखें 1/λ इज इक्वल टू 1/r, सॉरी r नॉट 1/r, r 1/(n final square - 1/(n initial square) इसका अगर यूज करें तो हमें मिल जाएगा फाइनल, आपकी ग्राउंड में पहुंचेगा। रिडबर्ग कांस्टेंट की आपको वैल्यू दे रखी है 1.1 × 10⁻⁷ 1/(1) - 1/(n initial) दैट इज 4 एंड 4 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 16/15 आर, वेयर आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड द आंसर इज 9.75 angstrom अप्रॉक्सीमेटली, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। A ball is dropped from height h on a floor. यहाँ से एक height h से एक ball को drop किया गया, this is at this height. The coefficient of restitution for the collision between the ball and the floor is e. तो यहाँ पर जो collision हो रहा है, तो आपका inelastic collision है आपका, और यहाँ पर जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई है, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगा और ई भी वेलोसिटी से ऊपर जाने लगेगा। और कितनी हाइट पे पहुँचेगा ये पहुँचेगा आपका, देखिए u² / 2g होता है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ई वी रही, ई वी e² v² / 2g, और v क्या होगा √2gh, या v² आपका हो जाएगा, स्क्वायर आपका v² 2gh हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e² h, यानी कि ये पहुंचेगा e² h हाइट पर। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट टाइम ये पहुंचेगा आपके e⁴h पर, इसके बाद नेक्स्ट टाइम ये पहुंचेगा आपका e⁶h पर। तो आप यहां से देख सकते हैं nth कोलिजन में ये पहुंचेगा e⁻²nh हाइट पर। अब जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, क्योंकि हमें देखना है टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई। तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। तो देखिए पहली बार तो h, तो मैं टोटल डिस्टेंस लिख रहा हूँ दैट इज h, फिर इसका ट्वाइस लेना पड़ेगा क्योंकि ये पहले ऊपर गया फिर नीचे आया इतना ही, तो 2e² h + 2e⁴h + 2e⁶h, एंड ऐसे इनफाइनाइट कोलिजन होंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, h हमने यहाँ पे लिया और यहाँ से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से बच्चों कॉमन जो लिया जा सकता है अपना वो 2h कॉमन लिया जा सकता है, तो 2h कॉमन ले लिया, e² e⁴ + e⁶h, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, एंड s इज इक्वल टू h + 2h, इसको सॉल्व करेंगे इनफाइनाइट gp है तो कॉमन रेशो e² है, एंड आफ्टर दिस h को कॉमन ले लेंगे 1 - e² + 2e² / 1 - e² एंड इट इज 1 + e² / 1 - e² × h, एंड द ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अ पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज इक्वल टू r वेक्टर दिया है, देन r वेक्टर इज इक्वल टू 2t i कैप,
प्लस टू टी स्क्वायर जे कैप। अगर मैं यहाँ से देखूँ वेलोसिटी वेक्टर, तो डी आर वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस फोर टी जे कैप। अब आप ध्यान से देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा एट टाइम टी इज इक्वल टू टू सेकेंड, और थीटा कौन सा एंगल है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। वेयर थीटा इज द एंगल विच इट्स वेलोसिटी वैक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि जो वेलोसिटी वैक्टर है ये आपका वेलोसिटी वेक्टर, ये जो थीटा एंगल बना रहा है इसकी बात है, पोजीशन वेक्टर की नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। तो आप देखिए, जो आपका पोजीशन वेक्टर बना रहा होगा एंगल टेन थीटा, वो बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज 40 बाई 2 एंड इट इज 2t। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2, देन डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, विच कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 2t, देन 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो t की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, t की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो आप ओमेगा निकाल सकते हो 2, और t की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो यहाँ पर t का स्क्वायर 4, 16 एंड 16 प्लस 1 इज 17 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2/17 रेडियन पर सेकेंड, एंड आंसर ए इज करेक्ट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अ टेलीफोन वायर ऑफ लेंथ 200 किलोमीटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 0.014 माइक्रोफेरेड किलोमीटर इनवर्स। सो यहाँ पर जो आपको कैपेसिटेंस दे रखी है, पर यूनिट लेंथ दे रखी है, तो टोटल कैपेसिटेंस हो गई लेंथ इनटू सी नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू 200 इनटू 0.014, 200 इनटू 0.014 विच इज 2.8 माइक्रोफेरेड। नाउ इफ इट कैरीज एसी फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टर required to connect in series so that impedance of the circuit minimum। तो यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन है, तभी ऐसा हो सकता है इंपिडेंस मिनिमम। तो हमें इंडक्टेंस निकालनी है, और ये हमें पता है कि अगर रेजोनेंस होगा तो इंपिडेंस मिनिमम होगी। तो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी f इज इक्वल टू आपको कितनी रेजोनेंस कितने पे हो रहा हो, 5 kHz पे। तो 5 kHz पे आपका अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो क्या होगा, आपके इंपिडेंस मिनिमम होगी। रेजोनेंस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, एफ इज इक्वल टू 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। एंड यहाँ से अगर मैं सी कैलकुलेट करूँ, सी मेरे को पता है, सॉरी एल कैलकुलेट करूँ, तो बच्चों एल क्या आएगा, सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। एफ इज इक्वल टू कितना है आपका, 5×10⁻³, दैट इज 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ एल, ऐसे ही रहने दिया, 2.8×10⁻⁶ सी की वैल्यू हमने रख दी। अब जब बेटा इसे सॉल्व करेंगे एल के लिए, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 1/280π स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0.35 मिली हेनरी अप्रोक्सीमेटली, एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर बच्चों आप NTA के सोल्यूशन में जाएंगे इसमें, तो आपको बहुत टाइम लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसको मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से किया है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए आपका एक क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी कंसेंट्रिक स्फीयर दैट डिवाइड्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अ मेटल स्फीयर ऑफ अ रेडियस 20 cm एंड चार्ज ऑफ 8 μC इन टू रीजन्स ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी। देखिए आपका एक मेटल का स्फेयर है जिसकी रेडियस मैंने ए कहा, और ए की वैल्यू है 20 cm। अब कह रहे हैं कि कहाँ पर, और इस पर चार्ज क्यू है और क्यू की वैल्यू है 8 μC। अभी पूछ रहे हैं कि कहाँ पर एक आपका कंसेंट्रिक, हम इमेजनरी मान लें, देखिए ये आपका रहा स्फेयर, और मैंने कहा कि B डिस्टेंस पर, सेंटर से B है रेडियस पर,
इसके इधर जितनी टोटल एनर्जी है उतनी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, अंदर तो जीरो होगी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जितनी आपकी यहाँ पर है, ये सरफेस वन कह दी, ये टू कर दी, तो सरफेस वन एंड टू के बीच में जितनी एनर्जी है और टू और इन्फिनिटी के बीच में सेम एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी अगर देखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, दैट इज द फॉर्मूला। पर सी क्या ले, तो अगर 1 से लेके 2 के बीच में मैं कैपेसिटेंस निकालूं तो उसका फॉर्मूला बेसिक आपको पता ही होगा, ए बी ए माइनस बी के, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मैं 0.2 जो सेंटर से बी दूरी पर से लेके इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ से इन्फिनिटी के बीच की कैपेसिटेंस की बात करूँ, इसे मैंने C1 का, उसे मैं कह रहा हूँ C2, उसकी वैल्यू होगी के बी अपॉन के, वेयर के इज इक्वल टू 4πε0। अब देखिए ये दोनों एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी वन इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी टू। देखिए ये चार्ज तो दोनों के लिए सेम है, कैंसिल हो गया, तो सी वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी टू। अब क्या है सी वन, डेट इज ए बी अपॉन ए माइनस बी, सॉरी नॉट ए माइनस बी, अरे यार वट इज द रेडियस ऑफ इमेजनरी कंसेंट्रिक स्फेयर दैट डिवाइड्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मेटल स्फेयर ऑफ 20 cm रेडियस एंड चार्ज ऑफ 8 µC इन टू रीजन्स ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी। सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और देखिए इसको मैंने डिफरेंट वे में बच्चों सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसी प्रॉब्लम को, तो जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो बराबर होती है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब ये कह रहा है कि एक मेटल स्फेयर है, इस मेटल स्फेयर के सरफेस पे सारा का सारा चार्ज रहेगा। मान लीजिए इसकी रेडियस ए जिसे 20 cm गिवन है, लिख लिया। अब इसके अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बाउंड्री हो जो 2 ½ में डिवाइड करें, यानी कि क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यानी कि ये पॉसिबिलिटी बाहर ही एग्जिस्ट करती होगी। तो बाहर ये एक बाउंड्री मैंने मान ली यहाँ पर बी डिस्टेंस पे, तो ये सरफेस वन और दिस बाउंड्री टू के बीच में जितनी एनर्जी है यू वन, उतनी एनर्जी आपके इन्फिनिटी और इस सरफेस टू के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक की अगर मुझे कैपेसिटेंस सी टू कह दूँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की कैपेसिटेंस अगर मैं सी वन कह दूँ, क्योंकि चार्ज सेम है, तो अगर सी वन इज इक्वल टू सी टू हो जाए, कैपेसिटेंस वन और टू के बीच में और टू से लेके इन्फिनिटी के बीच में अगर सेम हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर सी सेम हो जाएगा, चार्ज तो सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी। तो वन एंड टू के बीच में अगर मैं कैपेसिटेंस की बात बोलूं, तो कैपेसिटेंस होती है ए बी बी माइनस ए के, डेट इज सी वन। एंड सी टू की अगर मैं बात करूं, तो सी टू कहाँ से, डेट इज बी रेडियस एंड इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा बी बाई के, क्या हो जाएगा ये बी बाई के। तो इसे इक्वेट कर दे रहे हैं, ए बी बी माइनस ए इज इक्वल टू के इज इक्वल टू बी बाई के, बी से बी कैंसिल, के से के कैंसिल, देन टू ए इज इक्वल टू बी, सो बी इज इक्वल टू टू एंड ए की वैल्यू है 20, सो आंसर इज 40 cm। अगर इसी क्वेश्चन को मैं NTA के प्रोवाइडेड सॉल्यूशन से करूं, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन, कंसिडर इट, एंड ऑप्शन बी इज राइट। Another very good problem, a particle starts from origin of coordinate at t is equal to 0, origin पे है particle, और यहाँ पे accelerate हो रहा है। इसका acceleration की जो बच्चों direction है
वो वाई डायरेक्शन है और कांस्टेंट है अल्फा डायरेक्ट अल्फा वैल्यू है, यानी कि एक्सेलेशन ए इज इक्वल टू अल्फा एंड अलोंग वाई एक्सिस है। सो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट टी इज इक्वल टू एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो एंड द मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलेशन अल्फा इन वाई डायरेक्शन। इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज वाई इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। सो वॉट वी हैव वाई इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज बीटा टू एक्स डी एक्स बाई डी टी एंड दिस इज टू एक्स बीटा वी एक्स एंड दैट इज वी वाई। सो वी वाई इज इक्वल टू टू एक्स बीटा वी एक्स नॉट वाई हेयर वी एक्स। सो वॉट इज दिस वी वाई, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड विद रेस्ट। सो वॉट इज द velocity component of velocity along y direction, you can write it vy is equal to square root of 2 alpha and y is the coordinate or y is the vertical displacement or displacement along the y axis. hum bachcho ise rakh dete hain to hame kya milega dekhiye square root of 2 alpha y, alpha is the acceleration and 2x beta dx. What is the y? Y is equal to beta x square. Put here. So 2 alpha beta x square under root is equal to 2x beta vx. What is the vx? X and x cancel ho jayenge aapke. So jab ise solve karenge beta, to kya milega? Dhyan se dekhiyega. Vx is equal to ho jayega aapka square root of 2 alpha beta x डिवाइडेड बाई टू एक्स बीटा। सो एक्स एंड एक्स इज कैंसिल, हेयर एल्फा डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ एल्फा होल स्क्वायर रूट एंड दैट इज टू बीटा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउ मैनी टाइम फास्टर देन द प्रेजेंट स्पीड वुड द अर्थ हैव टू रोटेट about its axis so that apparent weight of the bodies on the equator becomes zero. A very interesting problem. So this is our earth and there is a body placed on the equator of the earth. So normal reaction and here the gravitational mg gravitational force and the resultant of this mg minus n is providing the necessary centripetal force, that is mr omega square. So body apparent weight becomes zero, so normal reaction will become zero, and in this case mg is equal to mr omega square. M and m cancel and omega is equal to square root of g by r, and this value is 1.24 into 10 raised to the power minus 3 radian per second. And what is the real value of omega? It is 2 pi by t, and that is 2 pi t is 3600 into 24 in second, and it is 7.27 10 raised to the power minus 5. This omega is omega and sorry, this is omega prime and this is omega. Here omega prime. So omega prime divided by omega is equal to 1.24 into 10 raised to the power minus 3, 7.27 into 10 raised to the power not minus 15 minus 5. Minus 5, and this is omega prime is equal to 17 omega. five gram of ice at minus 20 degrees Celsius,
आर मिक्स टुगेदर इन अ कैलोरीमीटर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, एज्यूम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर टू बी नेग्लिजिबल। सो बच्चों हम मान लेते कि 0 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, तो अगर मिक्सचर का तो क्या पॉसिबिलिटी, या तो 0 डिग्री सेल्सियस का कंप्लीट पानी मिलेगा या 0 डिग्री सेल्सियस की कंप्लीट आइस मिलेगी, और क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो कुछ आइस मेल्ट हो जाएगी और हमें 0 डिग्री सेल्सियस का आइस और वाटर का मिक्सचर मिलेगा। तो जब 5 ग्राम आइस जो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस के फाइव ग्राम वाटर जो 30 डिग्री सेल्सियस पे है 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदलेगा, तब कितनी हीट रिलीज होगी? तो वो हीट होगी आपका वाटर में ही कन्वर्ट हो रहा है बट 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, तो एम एस डेल्टा टी से हम लिखेंगे 5 1 एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज 30, दैट इज 150 कैलोरी हीट आपकी जनरेट होगी या रिलीज होगी, और ये हीट आइस कंज्यूम करके मेल्ट होगी। कितनी मेल्ट हो सकती है ये देखते हैं। सबसे पहले आइस आइस में ही रहेगी, 20 डिग्री सेल्सियस की आइस -20 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट होगी, और इस काम के लिए इसे कितनी एनर्जी चाहिए वो देखते हैं। तो दैट इज 5 × स्पेसिफिक हीट इज 0.5 × टेम्परेचर डिफरेंस इज 20 एंड इट इज इक्वल टू 50 कैलोरी। सो 50 कैलोरी, द वाटर कैन प्रोवाइड द 50 कैलोरी। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई एम कंसिडरिंग हेयर, अगर मैं ये सोचूं बच्चों कि अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है ये वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस की, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तब हमें चाहिए होगी 5, दैट इज लेटेंट हीट, एंड इनटू 8 विच इज 400 कैलोरी। सो बट वाटर डू नॉट हैव दिस, इतने पानी के पास हीट रिलीज करने के लिए नहीं है 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन जो आपकी आइस है वो कुछ आइस मेल्ट हो जाएगी, कुछ रहेगी, और यहाँ पर वाटर और आइस का मिक्सचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड ऑप्शन ए सही है। आप वैसे भी देखें 10 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल नहीं है, आपका -30 लोएस्ट टेम्परेचर से नीचे हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है, और ग्रेटर देन 10 डिग्री, जब 10 डिग्री नहीं है तो ग्रेटर देन का मतलब नहीं बनता, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। अनदर अ गुड प्रॉब्लम बट दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। सो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको कह रहा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहिए। तो पहली बात तो ये देखेंगे हम इस लूप में करंट कैसे फ्लो करें, तो करंट में जो फ्लो करे लूप में वो ऐसे फ्लो करें तभी पॉसिबल है, और इस करंट की वैल्यू कह दी I1। इसे कहा देर इज एन एरर इन द क्वेश्चन, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख ही रहे हैं, आपसे पूछा है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, 0 हो। देखिए I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ है, तो जो करंट I1 है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आनी चाहिए, तभी पॉसिबल है I1। अब I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 कह दिया, वो कितनी होगी? देखिए एक वायर की वजह से जितनी फील्ड आएगी उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो हमें स्क्वायर की वजह से मिल जाएगी। दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45 एंड दिस डिस्टेंस इज a/2, और इसका 4 टाइम्स करके नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो 4 μ0 करंट है I1 अपॉन 4π एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a/2, और क्या होगा बच्चों यहाँ पे, साइन 45 प्लस साइन 45, दोनों एंगल 45 है तो 2 sin 45, ए से ए कैंसिल, सो दिस इज 2√2, 2 sin 45, 2 × 1/√2 ये आ गया। म्यू नॉट I1 अपॉन पाई, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। अब इस कंडक्टर I2 जिसमें करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2, उसकी वैल्यू क्या होगी?
ये वैल्यू होगी म्यू नॉट आई 2 पाई एंड द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ए बाई टू, सो दिस इज ए प्लस ए बाई टू दैट इज 3a/2 और ये हो जाएगा आपका 3a/2 का 2 ऊपर 3a नीचे, सो दिस इज 2/6πa, यहाँ पर भी बच्चों a लिया गया है 6πa, करंट है I2 म्यू नॉट, ये इक्वल होनी चाहिए, सो 2√2 म्यू नॉट I1 अपॉन पाई ए इज इक्वल टू 2I2 म्यू नॉट 6πa, पाई ए से पाई ए कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एंड I1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, एंड I1 इज इक्वल टू I2 अपॉन 6√2, एंड दिस इज द आंसर एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। The front wall of a drawer in a cabinet is provided with 2 symmetric handles. The distance between handle is L and the depth of the drawer, that is the length, is A. The maximum value of the coefficient of friction between drawer and the cabinet for which drawer can be pulled out applying by a force on one handle perpendicular to the face of the drawer. बच्चों देखिए drawer हमने कुछ इस तरीके से consider कर ली, दिस इज लाइक दिस इज द ड्रॉर, और इस पर बेटा दो हैंडल इस तरीके से क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो मैं कहता हूँ यहाँ से अगर x डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी x डिस्टेंस है और इसके बीच की डिस्टेंस l गिवन है, जो लेंथ है इस ड्रॉर की वो है a। अब अगर मैं एक हैंडल पे फोर्स लगाऊँ, यहाँ पर लगाऊँ फोर्स, तो क्या होगा, इस फोर्स की वजह से इस ड्रॉर की टेंडेंसी होगी क्लॉक वाइज रोटेट करने की, तो इस क्लॉक वाइज रोटेशन से जो ड्रॉर के साइड में जो रोकने के लिए होगा उधर से क्या आएगा, फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन, एक तो यहाँ ऐसे आएगी और इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो इस तरीके से रोटेशन का इफेक्ट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगी एंड एकदम एंड पॉइंट पर होगा आपका ये, एंड आपका जो फ्रिक्शन लग रहा होगा अगेन पीछे की तरफ, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2FR, दैट इज FR 2 म्यू n। अब मैं टॉर्क लिखूं, टॉर्क की इक्वेशन पॉइंट O पे लिखूं, तो क्या होगा, F की वजह से जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा F, और कितना टॉर्क होगा Fx, देखिए इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कितना टॉर्क होगा, अगर मैं बात करूं इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क, तो एकदम एज पे लग रहा है तो इसकी वजह से जीरो होगा, इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा, इस फ्रिक्शन की वजह से आपका क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, तो क्लॉकवाइज एक तरफ लिख लेता हूँ, कितना लगेगा, ये लगेगा देखिए बीच की डिस्टेंस हो गई 2x + L, 2x + L एंड इनटू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है म्यू 1, तो क्लॉकवाइज को दूसरी तरफ लिख दिया, इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जीरो क्योंकि बिल्कुल एज से पास हो रहा होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट के अबाउट हम लगा रहे हैं टॉर्क निकाल रहे हैं उसी पॉइंट से, इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा और होगा एन ए। मैं एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, दैट इज 2μnx + nA इज इक्वल टू μnx + μnL, सो ये कैंसिल हो गया एंड एन ए इज इक्वल टू म्यू एन एल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया एंड म्यू इज इक्वल टू आ गया ए बाई एल, सो ऑप्शन ए आपका बच्चों सही हो गया। C14 हैज द हाफ लाइफ ऑफ दिस एट द एंड, व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लेड, सो वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी हाफ ईयर निकले, n is equal to that is 1144 divided by number of half cycles निकाल रहे हैं 5700, so this is 2 and n is equal to n naught 1/2 raised to the power n is the formula we will use for this question and n naught is the original value, number of half cycle is 2,
सो एन नॉट बाई फोर दैट इज 0.25 ऑफ एन नॉट मीन्स द लेफ्ट अमाउंट इज 0.25 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट. अब एंड पेंडुलम वॉज ऑसिलेटिंग विद एन एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री. मतलब ये जो मैक्सिमा एंगल बना रहा है वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री बना रहा है. तो इस समय इसमें कितनी एनर्जी स्टोर है ये चेक करते हैं बच्चों. तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है क्योंकि एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो जाती है. तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी है. अब इस पोटेंशियल एनर्जी को जरा ध्यान से समझिए कितनी वैल्यू होगी. तो देखिए आप लोगों को पता ही होगा ये डिस्टेंस होगी एल माइनस एल कॉस थीटा विच इज एल कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा एम जी एल कॉस थीटा इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री 1 माइनस 1 बाई टू एम जी एल बाई टू. जब ये अपने इक्विलिब्रियम पे आएगा तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो गई एम जी एल बाई टू. अब बच्चों आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि जैसे ही इक्विलिब्रियम पे आता है लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड अपवर्ड चलने लगती है. आपकी लिफ्ट अपवर्ड चलने लगती है तो एक सीडो फोर्स आ जाएगा और जी इफेक्टिव जो आएगा जी इफेक्टिव आपका जी प्लस ए होगा और ए की वैल्यू में जी है तो टू जी हो जाएगा. पूछ रहे तो नया एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होगा. अब ये कितना जितनी भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में और वो पोटेंशियल एनर्जी जी इफेक्टिव से देखेंगे कितनी होगी. तो अगेन हम यही यूज़ करेंगे द न्यू पोटेंशियल एनर्जी जी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ यूज़ कर रहा हूँ या वर्क डन ऑफ सीडो फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूज़ कर ले रहा हूँ दोनों बातें सेम है. ये हो जाएगी एम टू जी एल वन माइनस कॉस फाइव. फाइव इज द न्यू एंगुलर मोमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर एम्पलीट्यूड और ये यू न्यू बराबर होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी या प्रीवियस पोटेंशियल एनर्जी के. सो वी कैन राइट हियर एम जी एल बाई टू इज इक्वल टू टू एम जी एल वन माइनस कॉस फाइव एम जी एल कैंसिल एंड दैट इज वन बाई फोर वन माइनस कॉस फाइव एंड कॉस फाइव इज इक्वल टू थ्री बाई फोर. सो फाइव इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/4 एंड दिस इज द आंसर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्टेशनरी न्यूट्रॉन अंडर द ग्रेविटेशन इंट्रैक्शन मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रेस्पेक्टिवली. इफ बोर्स क्वांटम कंडीशन होल्ड्स हेयर मिनिमम परमिसिबल डी बोगी वेव लेंथ एसोशिएट विद द इलेक्ट्रॉन विल बी. सो टू मूव ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट इट नीड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स एंड दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज जी एम एम बाई आर स्क्वेयर. फ्रॉम हेयर वी कैन राइट एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम बाई आर. अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज क्वांटाइज एंड इट इज एन एच अपॉन टू पाई. सो मिनिमम चाहिए तो एन की वैल्यू बच्चों वन रख लेंगे तो एच अपॉन टू पाई एंड एम इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई आर. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस. इफ वी डिवाइड दीज टू इक्वेशन वॉट वी बी गेट वी इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम आर हेयर टू पाई आर अपॉन एच इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई टू. So R and R cancel and this is G M capital M 2 pi upon H is equal to V and the wavelength is de Broglie wavelength is lambda is equal to H upon
पी एंड पी इज मोमेंटम, सो एच अपॉन एम एंड वी इज जी एम स्मॉल एम टू पाई अपॉन एच एंड विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर जी एम स्मॉल एम स्क्वायर टू पाई. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 32 ग्राम ऑफ O2 इज कंटेन्ड इन अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 1 meter एंड मेंटेन एट टेम्परेचर 1 to 7 degrees Celsius. द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. बच्चों बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आइसोथर्मल की बात करें तो दिस इज माइनस dP ओवर dV बाई वी होता है. इट इज स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. PV इज इक्वल टू nRT. एंड वट विल एन इज कॉन्स्टेंट आर इज कॉन्स्टेंट एंड टी टेम्परेचर इन कैलविन दैट इज इक्वल टू 400 Kelvin. 273 इज एडिड टू दी 127 degree Celsius. सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग nRT. दिस इज द कॉन्स्टेंट ऑन taking the differentiation on both side dP over P plus dV over V is equal to 0 and from this dP over dV is equal to minus V over P. What we need? We need dP over dV by V. That what we need? This is our need. 30 ग्राम O2 ली है एक क्यूबिकल कंटेनर साइड 1 meter है जिसकी इसमें 127 degree Celsius पर रखी गई है. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा गया है. सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है बच्चों माइनस dP ओवर dV ओवर V एंड इट कैन बी रिटन एज माइनस V dP बाई dV. ओके सो PV इज इक्वल टू nRT. Here T is constant because isothermal. So PV, if we take log on both side on natural base, log P plus log V is equal to log of nRT. This is dP over P if on differentiating with respect to P. dP over P plus dV over V is equal to 0. And dP by dV is equal to minus of P by V. Put the value of dP over dV, what we get? We get B is equal to minus of V and dP by minus P by V and this is cancelled and it is P and the value of P is equal to, from here we can see nRT upon V and that is equal to number of moles 32 grams, so 1 mole R is R and T is 400 and V, what is V? V is 1 meter cube, so it is 400 R. This is the bulk modulus of velocity and B option is correct. A real image is formed by convex lens. If we put concave lens in contact with it, the combination again forms a real image, the new image. It's a very quite simple problem. So what is the power of this system? System means this combination. It will be P converging plus P diverging. And we get the real image means the system will behave as a converging system. So the P system or is equal to a converging system. But in the previous case when there is a single lens, the converging power is more, and converging power is more, it means the focal length is less.
बट इन द कॉम्बिनेशन द कन्वर्जिंग पावर इज लेस, सो फोकल लेंथ इज मोर ऑफ द कॉम्बिनेशन. It means that the image formation will be further from the lens. So option B is correct. A cylinder of mass m is kept on inclined plane having the angle of inclination 30 degrees. Axis of cylinder makes angle 30 degrees with its line along the greatest slope. Assuming that cylinder rolls without slipping, the acceleration of the cylinder is okay. So in that case, we need just find the acceleration of this cylinder, the component of acceleration of this cylinder along this line. So what is this? This angle is alpha and this angle is also alpha. And if this angle, sorry, this angle is 19, this angle is alpha and this is 90 minus alpha. And component of g along this line along y axis ay is equal to g sin theta cos 90 minus alpha, and it is g sin theta and sin alpha. And we know that the formula of acceleration, and we will apply it here, is equal to acceleration along this line y, that is g sin theta into sin alpha divided by I upon mr square plus 1, and a is equal to g sin theta sin 30, sin alpha, again alpha is 30, sin 30 divided by I is 1 by 2 mr square plus 1. It is 3 by 2 or 2 by 3 g, and sin square 30 is 1 by 4, and it is g by 6, and option A is correct. So quite simple problem. When a diode is in forward bias condition, both the depletion region and barrier height are reduced. C option is correct. What should be the length of steel and a copper rod at 0 degree Celsius so that the length of steel rod is 5 centimeter longer than the copper rod at any temperature? It means let us suppose the length of the steel rod, the steel rod ki length hai kisi temperature T par LS hai aur copper ki LC hai. 0 degree Celsius pe iski LS naught and LC naught hai. यहाँ पर भी दे रखा है कि किसी भी टेम्परेचर पे जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा. यहाँ से देखिए बच्चों, एल एस टेम्परेचर टी पर है, दैट इज एल एस नॉट 1 प्लस एल्फा टी 0 डिग्री सेल्सियस एंड एल्फा एस एल सी, एल सी नॉट 1 प्लस एल्फा सी टी, and LS minus LC is equal to LS naught minus LC naught. LS naught alpha S minus LC naught alpha C T plus. And the both at any temperature difference is 5. So though the difference LS minus LC and LS naught minus LC naught is same, so it can be cancelled. And from here we can write LS naught divided by LC naught is equal to alpha C upon alpha S. And we will substitute these value in this equation. So what we get, LS naught, replace the LC naught, LS naught common, and 1 minus alpha s upon alpha c is equal to 5. From this, on putting the value of alpha s and alpha c, what we get, ls naught is equal to
17 इंटू 5 बाई 6 विच इज 14.17 एंड एल सी नॉट इज इक्वल टू द डिफरेंस इज 5 सो इट विल बी 9.17. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. A fluid having thermal coefficient of volume expansion gamma is filled with cylindrical vessel up to h naught height. The volume of linear thermal expansion of material is alpha. If the fluid is heated with vessel, then find the level of liquid when temperature increases by delta theta. So how to solve this problem is very easy. V is equal to V naught 1 plus gamma delta T, and delta T is here delta theta. And volume kya likh sakte hain? Likh sakte hain pi r square h, where h is new height, r is the new radius of the base. Kyunki aap jab kisi container ko bhi garam karoge to uski radius bhi change ho jayegi aur wo badhegi. यहाँ पर V नॉट जो पुराना वॉल्यूम है, पी आर नॉट स्क्वायर एच नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. एंड बच्चों हम इस पाई आर स्क्वायर और पाई आर नॉट स्क्वायर को A और A नॉट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. तो H इज इक्वल टू A नॉट बाई A एच नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. अगर लीनियर एक्सपेंशन पता है तो एरियल एक्सपेंशन हो जाएगा आपका 2 अल्फा. सो दिस इज 1 अपॉन ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी या थीटा. सो व्हाट इज दिस? ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा. And here H naught 1 plus gamma delta theta, and H is equal to this, and option A is correct. The wavelength of two nodes in air are given. Each node produces beats 10 beats per second separately with the third node of fixed frequency. Find the velocity of sound in air. So the beat frequency is equal to f1 minus f2. We know the beat frequency. So what is the frequency if this is the wavelength? The speed of sound divided by wavelength, and that is 195 minus upon 36. Aur maan lijiye jo third node hai wo n frequency ka hai. माइनस एन इज इक्वल टू क्या होगा? बीट फ्रिक्वेंसी, दैट इज 10. सिमिलरली एन माइनस वी 193 डिवाइडेड बाई 36 क्या होगा? 10. वी विल एड दीज टू एंड वॉट वी गेट? वी 2 अपॉन 36 इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज 10. सो वी इज इक्वल टू 360 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज द answer. When a Daniell cell is connected in a secondary circuit of a potentiometer, the balancing length is found 540 centimeter. If the balancing length become 500 centimeter when the cell is short circuited with 1 ohm, the internal resistance of the cell is in. So what is the formula? R is equal to capital R L2 minus L1 upon L1. ये बच्चों फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, हमेशा यूज करते हैं, या पोटेंशियोमीटर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. सो R हेयर R इज 1 ओम, L2 इज 540, L1 इज 500, डिवाइडेड बाय 500 एंड दैट इज 0.08 ओम. That is 40 divided by 50 and it is 0.08 ohm, and that is the answer. There is a sample
ऑफ डायटोमिक गैस इन कंटेनर द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस वॉज इंक्रीज ग्रेटली सो सम मॉलिक्यूल्स फेल इन टू एटम्स डिसोसिएटेड द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाई 6 द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाई 4.4 टाइम्स द ओरिजिनल इंटरनल एनर्जी बाई वॉट फैक्टर टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज। तो बच्चों अच्छी प्रॉब्लम है ये। पहले केस में हम लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन मोल्स थे डायटोमिक गैस के। अब इस एन मोल में से एन वन तो आपके डायटोमिक के सेम रहे पर एन टू मोल्स टूट गए और मोनोएटॉमिक बन गए, एटम्स में टूट गए, और मैं कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हो गए गैस के वो हो गए एन वन प्लस टू एन टू, और उस समय प्रेशर हो गया आपका 6 टाइम्स। तो 6 पी वी एन वन प्लस टू एन टू एंड दैट टाइम टेम्परेचर इज टी प्राइम। इफ वी डिवाइड वी विल गेट एन वन प्लस टू एन टू टी प्राइम बाई टी एंड हेयर एन। एंड व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज एन, सी पी, व्हाट इज सी पी? डायटोमिक, सो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई टू होता है सी पी, तो दैट इज 5/2 आर एंड टेम्परेचर इज टी। अब आपने हीट प्रोवाइड कर दी तो फाइनल कुछ और हो गई, वो क्या हो गई? तो इसमें कुछ मोनोएटॉमिक गैस है कुछ डायटोमिक है, तो मोनोएटॉमिक की पोटेंशियल एनर्जी प्लस डायटोमिक की, सो मोनोएटॉमिक के जो मोल्स हैं वो आपके 2N2 है, आपके इसके सी वी की जो वैल्यू है सी वी वो आपकी सी वी इसकी 3/2 आयर टी प्लस एन वन 5/2 आर टी प्राइम। आपकी कह रखी है कि फाइनल एनर्जी 4.4 टाइम्स है इनिशियल एनर्जी का, तो आप जब इसमें वैल्यू रखेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा 4.4 इंटू 5/2 एन आर टी इनिशियल दैट इज इक्वल टू एन 3N2 आर टी प्राइम प्लस 5N1 बाई टू आर टी प्राइम। जब इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करेंगे तो मिलेगा N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N/2। आप ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में रख दें तो यहाँ से हमें मिलता है बच्चों टी प्राइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी। पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वॉट मीटर पर सेकंड वॉट पर मीटर स्क्वायर पासेस थ्रू 3 पोलराइजर अरेंज सच दैट ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट पोलराइजर आर एट राइट एंगल्स। तो पहला पोलराइजर अगर मैंने कहा कि इस तरीके से है और इसके बीच में जो दूसरा पोलराइजर का एक्सिस है वो कुछ इस वाले से थीटा एंगल बनाता है, जो तीसरा पोलराइजर है वो जस्ट परपेंडिकुलर होगा, अब बीच वाला पोलराइजर उससे 90-थीटा का एंगल बना रहा होगा। जब लाइट पास होगी फर्स्ट पोलराइजर से तो इधर आ जाएगी I0/2, यहाँ आएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ आएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर 90-थीटा। सो दैट इज इक्वल टू 3 गिवन है I0/2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 3 I0 is 16 32 divided by 2 दैट इज 16 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड इट इज 4 sin स्क्वायर 2 थीटा 3/4 इज इक्वल टू sin स्क्वायर 2 थीटा एंड sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, सो 2 थीटा इज इक्वल टू
60 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस इज द आंसर. अ ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी इज कैप्ड एट ओरिजन t इज इक्वल टू 0 हैविंग वेलोसिटी. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के. मास है 2, वेलोसिटी इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, 2 से 2 गया एंड दिस इज 18. अब ओरिजिन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 50. टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी हो गई 80 प्लस 15, 95. अब क्या कहा है? इट्स वेलोसिटी व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज मिनिमम. तो फोर्स मिनिमम कब होगा? तो पहले फोर्स क्या होगा? तो फोर्स बराबर होता है आपका एफ इज इक्वल टू माइनस डी एल डेल यू बाय डेल एक्स. सो माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 15. माइनस यहाँ लगा हुआ है. सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6x. ये फोर्स आ गया आपका 12x, नॉट 6x, 12x फोर्स आ गया आपका. अब फोर्स मिनिमम कब होगा? तो डी एफ बाई डी एक्स क्या हो गया आपका 6x माइनस 12. एंड डबल डेरिवेटिव क्या हो गया फोर्स का? दैट इज प्लस 6 एंड पॉजिटिव. सो दिस इज द मिनिमम कंडीशन. अब इसको जीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 2 आपका. x इज इक्वल टू 2 पर आपका फोर्स मिनिमम होगा. तो हमें उस पर क्या निकालेंगे बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी. तो x बराबर 2 पर पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली तो माइनस का 2 का क्यूब प्लस 8, 24 प्लस 15. सो दिस इज 31. अब यहाँ पर बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हम यूज करेंगे. व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम होनी चाहिए. तो आपकी अगर मैं कहूँ ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, तो आपके मैं ई फाइनल में से अगर पोटेंशियल एनर्जी अभी की निकाल दूँ तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. और इस काइनेटिक एनर्जी को मिलते ही जो कि कितनी आ जाएगी आपकी 95 माइनस 31. इस काइनेटिक एनर्जी को मिलते ही मैं सॉल्व करूँगा तो वी की वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड. और दिस इज द आंसर. थैंक यू.